सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शैल। तो आज की वीडियो में बात कर रहा हूँ अपने ज़ेब्रा फिंचर्स के ब्रीडिंग के ऊपर। तो बहुत जल्द आप मेरे ज़ेब्रा फिंचर्स के अंडे बच्चे देख पाएंगे, क्योंकि मैं अभी फिंचर्स की ब्रीडिंग करने वाला हूँ। इनको प्रॉपर मैं मल्टी विटामिन और द सॉफ्ट फूड जो इनका सीड मिक्स में डेली इनको प्रोवाइड करूँगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा डिटेल पर एकदम। तो मैं फिंचर्स की मैं ब्रीडिंग कर दूँगा। फिलहाल तो ऑफ सीजन चल रहा है, मतलब अभी गर्मी के टाइम में फिंचर्स की ब्रीडिंग नहीं ले सकता। जैसे सीज़न ख़त्म हो जाएगा, ऑफ सीजन ख़त्म हो जाएगा, वैसे मैं फिंचर्स की ब्रीडिंग स्टार्ट कर दूँगा। तो जैसे बारिश आएगा तो मैं पहले क्या करूँगा, जो मैं केज है उसको मैं ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से कवर करूँगा ताकि उसके अंदर लाइट प्रॉपर आते रहे, और फिर छोटे छोटे छेद करूँगा ताकि उसके अंदर वो जो एयर वेंटिलेशन होते रहे। ये है हमारे नेस्ट बॉक्स, हंडी मैं तैयार करके रख दिया हूँ। बहुत जल्द जब थोड़ा गर्मी कम हो जाएगा, बारिश पहले गिर जाएगी जून में, तो मैं इनकी ब्रीडिंग देना स्टार्ट कर दूँगा। और जो मैंने केज के फ्रंट साइड में जो अपने केज का पार्ट लगाया था, पुराने केज का पार्ट लगाया था, छोटे केज का जो आप जो ब्लू कलर का देख रहे हो, वो मैं हटा के उसके फ्रंट साइड पर भी जो आयरन नेट जो मैं पीछे साइड लगाया वो लगाऊंगा। उसका वीडियो पे मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं कैसे क्या किया हूँ क्या नहीं किया हूँ। तो फिर अभी मैं क्या करने वाला, मैं जो प्लान है, मैं अगस्त में जावा स्पैरो भी लाने वाला हूँ। जावा स्पैरो की ब्रीडिंग का जो राइस स्पैरो होती है हमारी, जावा फिंच ब्लैक वाली, जो उसमें फॉन में भी आता है, सिल्वर में भी आता है, एल्वाइनो में भी आता है, लेकिन मैं ब्लैक वाली लूँगा क्योंकि उनके सॉन्ग जो है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका कलर जो पैटर्न है मेरे को ब्लैक वाले का बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें ब्लैक वाला जावा फिंच लूँगा। उसका प्राइस फिलहाल तो हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे 1600 फॉर पेयर है। तो चलो आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।